Bueno, bueno. आपको दिखाएंगे, उसका भी मज़ा कुछ और रहेगा। अभी हम यहाँ पे एक कज़न का वेट कर रहे हैं, वो सराइल अमगीर गया हुआ है, आएगा उसको पिक करना है। हम खड़े हैं, शाम का टाइम है, ये पीछे आप नहर देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, बड़े ज़बरदस्त माहौल है। और ये इधर कितनी गर्मी है और गर्मी में यहाँ पर ठंडी हवा आ रही है नहर के किनारे। आपको कैमरे पर फील नहीं हो रही, लेकिन मुझे यहाँ पर खड़े हुए फील हो रही है। दोस्तों मैं आपको इस पुल के बारे में बताऊँ, इधर ज़रा कैमरा लगाए पुल पर। ये जो पुल बने गए, ये तकरीबन गोरू के ज़माने के बने गए, तकरीबन 50 या 100 साल पुराने पुल बने हुए, और ये अभी भी उसी हालत में है। इनमें कोई इनकी ये महकमा नहर वाले पैसे तो ले लेते हैं इनकी मेंटेनेंस के, लेकिन मेंटेनेंस कोई नहीं होती। लेकिन ये इतने मजबूत बने हुए हैं कि आज के दौर में अगर आज के हुक्मरान ये बनाए तो नहीं बना सकते, क्योंकि आज का बनाया हुआ पुल ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल या 5 साल चलता है। लेकिन ये जो पुल आपको नज़र आ रहे हैं, ये और पीछे और इसी तरह से बहुत सारे इलाकों में, ये गोरू के ज़माने के बने हुए पुल हैं। ये जितनी इतनी हैवी ट्रैफिक इनमें से गुजरती है, लेकिन इनको असर कोई नहीं है। और इन पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, थोड़ी सी इनकी मेंटेनेंस की जाए, जो महकमा नहर को पैसे मिलते हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनकी थोड़ी सी मेंटेनेंस की जाए, तो ये 100 साल क्या, ये अगले 200-400 साल और निकाल सकते हैं। तो मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से भी और ज़ात कश्मीर गवर्नमेंट से कि इन पुलों की मेंटेनेंस पे ख़ास तवज्जो दी जाए और इनको मेंटेन किया जाए। ये यहाँ से हम लोग बहुत गुजरते हैं और बहुत सारी ट्रैफिक है, ये ना हो कि कल को कोई हादसा दरपेश हो और फिर हम सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमत पर डालें। तो हुकूमत पे को ये पहले से चाहिए कि वो इसकी मेंटेनेंस कर लें। आप देख रहे हैं, मैं कहता है अल्लाह हाफिज़।